आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। अलीगढ़ में रेलवे स्टेशन पर महिलाओं के प्रति आरपीएफ के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में यात्रा करने वाली महिलाओं और छात्राओं को रेलवे के द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर के बारे में जानकारी दी गई और आपात स्थिति में इस नंबर का सहयोग लेने का आह्वान किया गया। वहीं रेलवे के द्वारा जारी किए गए नंबर से महिला और छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। ऐसे में रेल से यात्रा करने वाली महिलाओं के द्वारा कहा गया कि बहुत बार ट्रेन में यात्रा करते समय आवारा लोग परेशान करते हैं, लेकिन रेलवे के द्वारा जारी किए गए सहेली टोल फ्री नंबर से काफी परेशानियां दूर होंगी। आज मैं अलीगढ़ से दिल्ली जा रही हूँ। रेलवे पुलिस स्टेशन पे आज अभियान चलाया गया है, वो महिला की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर 182, उस पे महिला की मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर उस नंबर पे कॉल करके मतलब पुलिस द्वारा तो वहाँ पे मतलब मदद की जाएगी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। इसे सिक्योरिटी मिली होगा आपको? मतलब सिक्योरिटी के लिए की जाएगी। ये कार्यक्रम जो है महिला सुरक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए ये कार्यक्रम रेलवे बोर्ड के आदेश से, हमारे महामहिम डीजी महोदय के आदेश से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। ऐसे तो रेल यात्रियों की सुरक्षा आरपीएफ का कर्तव्य है, तो ये कार्यक्रम महिला सुरक्षा के प्रति ज़्यादा केंद्रित करने के लिए, ये कार्यक्रम और जागरूक करने के लिए महिलाओं को ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्या नाम दिया गया था इस कार्यक्रम को? ये मेरी सहेली का जो है अभियान नाम है, और इस संबंध में बहुत से बोर्ड के आदेश आए हुए हैं जो थोड़ा विस्तृत है। मेन चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ इसमें, जैसे चार्ट के द्वारा जहाँ से इनिशिएट होती है वहाँ पे महिला यात्रियों का, विशेषकर जो महिला अकेले ट्रैवल कर रही हैं उनके बारे में वो पूरा लिस्ट बन के पूरे जो भी रूट है, जितने भी बड़े बड़े स्टेशन है, डिवीज़न है, सब में ये सर्कुलेट किया जाएगा, जिससे कि वहाँ पे उन महिलाओं को अटेंड किया जा सके। दूसरी बात ये 182 जो हमारा हेल्पलाइन है पहले से चला आ रहा है, और अब ये महिलाओं को ये इसके प्रति जागरूक, पैसेंजरों को महिला को जागरूक किया जा रहा है कि कोई भी असुविधा होने से आप 182 को कॉल करें, आपको सहायता मिलेगी। इस तरह से ये अभी जो इस कार्यक्रम है, जैसे जो भी डेस्टिनेशन में, रोड साइड डेस्टिनेशन में अगर कोई उतरती है महिला, अगर वो अकेले महिला चल रही है उसमें, तो उस जहाँ पे उतरने वाली वहाँ ये मैसेज रहता है कि ये महिला उतरने वाली है, वहाँ भी उनको सिक्योरिटी के बारे में पूछा जाता है। बाद में भी महिला उतर जाने के बाद में उस महिला को भी फ़ोन करके उनसे फीडबैक लिया जाता है। कितनी मुहिम अच्छी मानते हैं? चल रही है, अभी स्टार्ट है, आगे देखिए और अच्छे तरीके से पकड़ में आएगा और आरपीएफ बहुत ही सक्सेस होगा इसमें।